एक तो आपको अपनी उलझन दूर करने के लिए भगवान का स्मरण और भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए। क्या आपके आसपास कोई संत पुरुष नहीं रहते हैं जिनके बारे में आपका विश्वास हो कि ये निर्विकार भगवान से मिल गए हैं? यदि दुनिया में इस समय कोई निर्विकार संत नहीं है, निष्पक्ष संत नहीं है, तो आप तो कभी हो ही नहीं सकेंगे। भगवान निर्विकार, संत निर्विकार, और आपकी दृष्टि में न भगवान निर्विकार न संत निर्विकार। क्या आपका कोई सच्चा हितैषी नहीं है? क्यों आप अपने को दुविधा में इधर उधर भटकाते हैं? यदि आपकी बुद्धि निश्चय करे तो बहुत बढ़िया, और निश्चय न करे तो आपका जो हितैषी, जिस पर आपका पूरा विश्वास हो, निर्विकार हो और निष्पक्ष हो, चेला बनाने वाले संत दो नंबर के होते हैं। बोला ये बात भागवत में बिल्कुल मूल में ही लिखी है। हाँ, 11वें स्कंद में जहां भागवत का लक्षण है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन नेश भागवतोत्तमः, और दो नंबर का ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सुच प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा जग करोते स मध्यमः, जो ईश्वर से प्रेम करता है और भक्त से मैत्री करता है और दुखी पर कृपा करता है और द्वेषी की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भगवत भक्त है, उत्तम कोटि का भगवत भक्त नहीं है। उत्तम कोटि का भगवत भक्त तो वही है जिसको सब में भगवान और भगवान में सब दिखाई पड़ता है। तो आप नारायण, भगवान में जिनकी स्थिति है, ऐसे संत सबके हितैषी होते हैं, और आप निष्कपट रूप से अपनी उलझन उनके सामने रख दीजिए और वो एक क्षण में आपकी उलझन को दूर कर देंगे। आपको अमेरिका पहुंचना है, आप यूरोप के रास्ते भी जा सकते हैं, जाते भी जा सकते हैं, पर एक निश्चय आप स्वयं नहीं ले पाते हैं तो किसी जानकार से ले लीजिए। ओ सॉरी।